अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से चाह रहा था मैं एक वीडियो बनाऊँ इस पर और दोस्तों को बताऊँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि आया कि यार जो तुम पीछे उबर या उबर ईट्स के बारे में जो वीडियो बना रहे हो वो सच है भी कि नहीं, इतनी अर्निंग है कि भी कि नहीं। क्योंकि मैंने उबर ईट्स पे लोगों को बताया था कि जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए उबर ईट्स में क्या उनको कितने वो पैसे बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं। और उस पर मैंने एक वीडियो भी एक अलग से बनाई जिस पर मैंने टोटल बताया कि आप कितनी देर उबर ईट्स पर काम करते जो न्यू कमर्स हैं अगर वो आएँ तो। अब उबर ईट्स ने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है जिस पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको आते ही ना बड़ी अच्छी इनकम बना लेते हैं। तो उस पर काफ़ी लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि नहीं यार इतनी इनकम नहीं हो सकती, ये कैसे पॉसिबल है, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी उबर की जो है ना वो मैं आपको स्टेटमेंट अपनी जो मैंने एक वीक में इनकम बनाई है मैं आपको उसके बारे में बताऊं और मैं आपको ये भी शेयर करूं कि वो मैंने कैसे बनाई और कैसे नहीं, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं उनके माइंड में ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएं कि आया वाकई मैं सच बोल रहा था कि या मैं वैसे ही अपने आप से हवा में तीर मार रहा था। लेकिन वो चीज़ मैं आपको वो बताता हूँ अभी। तो अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, मेरे पास लैपटॉप था, अचानक मुझे याद आया तो मैंने कहा आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं ये आपको भी दिखाता हूँ, मुझे एक मिनट दें कि मेरी ये दिखाने का ये मकसद है कि मैंने उबर पे कितनी इनकम बनाई और ये कैसे बनाई ये भी मैं आपको बताता हूँ। और न्यू कमर्स के लिए क्या है ये उबर एक्स क्या है जो मैं कस्टमर्स वगैरह करता हूँ, क्योंकि मैं आजकल फ्री हूँ, यहाँ पर क्रिसमस हॉलीडेज़ आ गई हैं और मैं उबर एक्स चला रहा था। मैंने लास्ट वीक फुल वीक काम किया है और उसमें जितनी इनकम बनाई है मतलब टका के मैंने बहुत ज़्यादा जॉब की, इसीलिए मैं न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। कुछ उबर पे कुछ दूसरे जो जॉब थी उसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरा टाइम ही नहीं लिखा, मेरे पास वीडियोज़ पड़ी थी लेकिन मैं अपलोड ही नहीं कर सका। तो अभी मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मैंने उबर पर कितनी इनकम बनाई और ये कैसे बनाई, ताकि अगर आप उबर एक्स चला रहे हो उबर ईट्स चला रहे हो तो आपकी इसके बारे में नॉलेज होना लाजमी है। अभी दिखाता हूँ, ये मेरा लैपटॉप अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये मेरी उबर की जो है ना ये स्टेटमेंट है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरी उबर की स्टेटमेंट है। और अब इस पे आपको मैं अर्निंग पे दिखाता हूँ। ये दिसंबर अगर हम आ जाएं 29 to 15 जो लास्ट वीक हमारा गुजर चुका है, तो उस पे अगर मैं आपको लेके जाऊं अगर मेरा कैमरा दिखाए तो ये मैंने टोटल ट्रिप्स जो हैं वो 85 की हैं और 64 hours 52 minutes नियरली 65 hours मैंने काम किया है और उसमें मेरी अर्निंग कितनी है $2,630.42। मतलब कि मैंने एक वीक में $2,630 तकरीबन ये मैंने इनकम बनाई है तकरीबन। तो ये सामने आपको मैं अगर अपने लैपटॉप पे अपनी अर्निंग दिखाऊं तो ये मेरी अर्निंग है, ये एक वीक की है जिसमें मैंने $2,630 ये आपके बिल्कुल सामने है। ये अगर आप देखें उबर पार्टनर्स अर्निंग है और ये मेरी $2,630 ये कब की है 9 December to 15 December, मतलब एक वीक में मैंने ये इनकम जो है वो बनाई है और 65 hours काम किए हैं। तो ये बस दिखाने का आपको एक मकसद था कि अगर मैं हवा में तीर मार रहा था तो मैं इतनी इनकम नहीं करता। ये मेरी एक वीक की इनकम है जो तकरीबन पाकिस्तानी 2,70,000 के करीब बन जाती है एक वीक में मैंने बनाए हैं, मतलब और 65 hours मतलब टका के काम किया, बहुत ज़्यादा काम जॉब किए मैंने। अब दोस्त ये भी कहेंगे कि यार ये फेक है ये वैसे है, नहीं भाई ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही मैंने दिखाया है और इसके लिए मैंने उबर पे उतना ही भी काम किया है। देखिए अगर हमें किसी चीज़ में मेहनत करें ना तो हमें उसका फल ज़रूर मिलता है, अगर हम किसी चीज़ में कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं तो हमें उससे कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने इतनी जॉब की और इतनी अर्निंग कर ली। अब जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए उबर ईट्स जो है वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसकी रीज़न ये है कि पहले जब 3 साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था तो तब जॉब्स थी ऑड्स जॉब जिनमें कुछ भी नई से नई जॉब्स थी, जिनमें फ्यूल स्टेशन था, जिनमें कोई मतलब ऑड्स जॉब में आ जाएंगे ना तो उसमें इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। लेकिन जो न्यू कमर्स है वो आती उबर ईट्स चला रहे, उबर ईट्स अब ये इनकम उबर एक्स की है, उबर ईट्स का आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते, उबर ईट्स इससे कम होगी। लेकिन अगर उबर ईट्स वाले ने भी 65 hours दिए होंगे तो कम से कम $1,800 तक वो ईजिली बना लेगा। उबर एक्स पर थोड़ा सा फेयर ज़्यादा, कस्टमर ज़्यादा लंबा पड़ता है तो इसलिए इतने पैसे बन गए।
अब मैंने बेसिकली ये दिखाने का मकसद इसलिए था, जो ऊबर एक्स चलाते हैं उनके लिए यही ट्रिक है कि अगर आप ऊबर एक्स चला रहे हैं तो आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप साइडों पे सबब्स में काम करें, सिटी के अंदर काम कम ही करें। उसकी रीज़न ये है कि सिटी के अंदर सब ऊबर ड्राइवर्स जो है ना वो गए होते हैं कि भाई यहाँ से हमें काम मिलेगा, लेकिन आपने साइडों पर सबब्स में काम करना है जहाँ से लोग सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा अर्निंग जो है ना मिल सकती है। अब मैंने तकरीबन फ्राइडे सैटरडे जो है ना 12 आवर्स गाड़ी चलाई, और उसके अलावा वीक डेज़ में 8 घंटे 10 घंटे, मतलब फुल वीक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ। मैंने इसीलिए मैं ना वीडियो भी नहीं अपलोड कर सका, काफ़ी वीडियो मेरी पड़ी थी। तो ये मेरी एक वीक की अर्निंग है जस्ट ऊबर से। इसके अलावा मैं और भी अब मैं कुछ अब एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि मैं एक जो है ना टॉक्स स्टार्ट करूँगा जिसपे मैं आपको अर्निंग्स के बारे में डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो डिफरेंट अर्निंग के एक अपॉर्चुनिटी है ना वो आपके साथ शेयर करूँ। उसमें ऑनलाइन भी काफ़ी आ जाती है, उसमें ये ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ है, उसमें ऑनलाइन हत्ता के जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उनको भी मैं बता उन वो भी वहाँ से अर्न कर सकते हैं। वो इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें तो उससे काफ़ी अच्छे बना पैसे बना सकते हैं। मैं वो भी जल्द इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि मैं खुद उसमें इन हूँ, तो मैं अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो मैं खुद आपके साथ वो शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को भी उससे कुछ फ़ायदा मिले। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी, ये बस दिसंबर के 2 वीक और हैं और क्रिसमस गुजर जाएगा, उसके बाद जनवरी में बहुत सारा मतलब काम नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, मैं भी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर आपके साथ एवरी वीक में 2 से 3 वीडियोस मैं शेयर किया करूंगा। अभी दैट्स वाई आइए आप देख रहे हैं पेशेंट 65 आवर्स आपके भाई ने काम किया है। भाई ईजी नहीं है यार, बहुत हार्डवर्क किया है, उसका फल भी मुझे मिला है। मतलब ये नॉर्मल इतने में नहीं बनाता, लेकिन लास्ट वीक में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, दैट्स वाई मेरी इतनी इनकम है। तो बस ये बेसिकली ये टिप्स थे, हर कोई आपके साथ शेयर नहीं करता, लोग सिर्फ बताते हैं। मैं इसलिए आपको रियलिटी अपना अकाउंट भी चेक करवा दी, ये मेरा अपना खुद का अकाउंट है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक मिनट। ये ऊपर अगर आप कोने में देखें, ये मेरा नाम भी लिखा है, रन अब्दुल समद, ठीक है। और ये मेरी ऊबर की स्टेटमेंट है 2600। ओहो, और अगर मैं अपनी इसमें चले जाऊँ, ये देखिए, अगर अपनी मैं प्रोफाइल ओपन करूँ, माय प्रोफाइल, तो इस पर मेरी जो है ना प्रोफाइल वो भी ओपन हो जाएगी, ताकि जिन लोगों को ये सामने आ गया, रान अब्दुल समद मैनेजमेंट्स, ये वो, ये हर चीज़ इस पर सामने ओपन हो गई है। तो भाई ये मेरा अपना अकाउंट है, खुद का अकाउंट है, ये मेरे एक वीक की इनकम है जो मैंने आपको एक साइड में दिखाया। अब इसके अलावा जो और चीज़ें जिनमें मैं सोर्स में, ऑनलाइन में, मार्केटिंग में, चीज़ों में मैं अर्निंग करता हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है उससे कुछ और लोग जो है ना वो भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं उस पर एक डॉक टॉक शुरू करूँगा जिसपे एवरी वीक हम नई से नई अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर करेंगे, और लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़ेंगे, जो वो बताएंगे उस पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये ऊबर वाला सीन जो है वो आपको समझ आ जाए कि अगर आप ऊबर ईट्स चलाते हैं ट्राई करें, साइडों पर सबब्स में काम करें, और अगर आप ऊबर ईट्स चला रहे हैं, देखिए एक स्ट्रेटजी अपनाएं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो ना करें। अगर कर रहे हैं जॉब तो ऊबर ईट्स कर रहे हैं, ऊबर एक्स कर रहे हैं, टैक्सी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं यार, ये ऑड जॉब है। इवन कि मैंने इंटर्नशिप जो है वो स्टार्ट कर लूँगा, जो भी जैसे भी करूँगा, तो जो भी जॉब आप करें उसको प्रॉपर करें। अगर मैं अब ऊबर एक्स चला रहा हूँ, प्रॉपर कर रहा हूँ, अभी मैं इसके बाद जो भी अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई भी जॉब को अगर स्टार्ट करूँगा मिल जाएगी तो मैं वो प्रॉपर करूँगा। इसलिए एक स्ट्रेटजी अपना, अगर आप ऊबर चला रहे हैं प्रॉपर ऊबर पे फुल आपका फोकस हो, प्रॉपर टाइम दें, और सबब्स में साइडों पे काम करें, तो आपको इंशाल्लाह इससे अच्छी इनकम मिल जाएगी और आप अच्छे पैसे भी बना लेंगे। ये जो लोग मुझे कह रहे थे कि हवा में फायर मार रही है, उनके लिए तो आके उनको पता चले कि भाई वाकई में मैं सच बोल रहा था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये आज की कहानी थी, तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।